Good morning. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biotonic, I welcome you all to today's Let's Crush It, the crash course for NEET 2021. And in today's class, we will be doing digestion and absorption in one shot. Aur kal hoga iska mega test. Just like animal kingdom ka test hone wala hai aaj, kyunki kal humne animal kingdom in one shot khatam kiya tha. Yes, everyone. तो चलिए लेट्स क्रश इट क्रैश कोर्स का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वन शॉट में पूरा लेक्चर फटाफट से खत्म करते हैं. न्यूज चैनल जैसे देख रहा है. ओके, इज इट अमर? ओके, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? गुड मॉर्निंग एवरीवन. बहुत बहुत हैप्पी मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आप सबको मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नूज. यस, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट दिस सुपर ऑसम टॉपिक. कल शाम को रियलिटी चेक कैसा लगा? ऐसा कोई बच्चा है जिसने रियलिटी चेक मिस कर दिया हो? यस, ऐसा तो कोई बच्चा होना नहीं चाहिए. सबने मतलब रियलिटी चेक लगाया था. यस, आज किस चीज का रियलिटी चेक है? आज क्या पढ़कर आने वाले हो आप लोग? तो एक बार देख लेते हैं कौन से रियलिटी चेक की बात कर रहे हैं हम, जस्ट इन केस कोई भूल भी चुका हो कि क्या बात हो रही है. तो आप ये देखिए, राइट एवरीवन, ये रहा आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन वन शॉट. ये तो अभी लेक्चर हमारा चल रहा है और कल के लेक्चर में तो आपने देखा होगा मैंने पिन भी कर दिया था. राइट, आई हैड पिन्ड अप ऑल दी प्लेलिस्ट्स. राइट एवरीवन, मैं आज भी पिन अप कर दूंगी प्लेलिस्ट सभी आप लोगों के लिए सारी. बट आप इधर आ जाइए. अगर आप इधर आएंगे और होम पर जाएंगे तो आपने वीडियोज पे चले जाइए. चलिए, कल आपने ये वाला सीरीज आई एम श्योर देखा होगा. यस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रियलिटी चेक नहीं देखा है तो प्लीज देखिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज विच टॉक्स अबाउट द चैप्टर. एक एक करके मैं क्लास 12th के चैप्टर्स करवा रही हूँ सो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आइडेंटिफाई कर सको उस चैप्टर में आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं. रियालिटी ने रुला देगा, रियालिटी रुला देगा. यस, नहीं रुलाएगा क्यों बेटा, आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो रुलाएगा क्यों. होम पे चले जाइए और आप देखिए आज एनिमल किंगडम मैंने कल आपको खत्म कराया था शाम को 5 o'clock वाले सेशन में. तो आज एनिमल किंगडम का मैं आप लोगों के लिए एक मेंटी क्विज लेकर आई हूँ. एनसीईआरटी मेंटी क्विज किसके लिए? एनिमल किंगडम के लिए. राइट एवरीवन, एंड सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का जो रियलिटी चेक है तो आप सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स करके आएंगे. कल सुबह 9 o'clock रैंक बूस्टर्स फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन वन शॉट. डन, इज दैट क्लियर? कल सुबह डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का रैंक बूस्टर होने वाला है. ओके जी, क्या कहते हो? डन डन और डन? परफेक्टो. चलिए तो फिर अपनी क्लास को शुरू किया जाए. ये देखो, ये आपका शाम को है, ये है. और कल सुबह, कल एनिमल किंगडम कराया था तो उसका कल सुबह डन 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 पढ़कर आना है. आज फटाफट से वन शॉट में पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देती हूँ मैं नेक्स्ट वन आवर में. और कल सुबह हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ही रैंक बूस्टर करेंगे. बाय द वे, व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस? इसका आंसर मैं दूंगी आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. डोंट यू मिस इट. व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस? वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. सो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्यों होती है, कब होती है, इनको सिम्टम्स कैसे होते हैं, व्हाट शुड दीज पीपल हैव, व्हाट शुड दीज पीपल नॉट हैव, राइट, इज गोइंग टू बी टोल्ड टू यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. एनिमल किंगडम वन शॉट मेंटी क्विज में करवाऊंगी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का रियलिटी चेक सीरीज. वानी सूत्र वेदांतो, वानी अंडरस्कोर वेदांतो, टू ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट्स. मेक श्योर यू ज्वाइन बोथ ऑफ देम सो दैट यू स्टे इन टच विद अस. एंड बायोटॉनिक फॉर नीट अपना ब्रांड न्यू टेलीग्राम अकाउंट है. पुराने वाला छोड़ दीजिए, नए अकाउंट के साथ जुड़ना है बस. बायोटॉनिक फॉर नीट. चलिए गाइज, मेक श्योर ईच वन ऑफ यू इज लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग. यस अमुप्रिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट. मेक श्योर सब बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक कर लिया है, शेयर कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है ताकि हम 31st को, कल भी मिनिस्टर जी ने अपने अकाउंट में जाकर एक और बार नोटिफिकेशन दी है दैट 31st को बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ रही है. बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपकी प्रिपरेशन कैसी चलनी चाहिए नीट की, अलोंग विद योर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, क्या करना है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड यू ऑन दिस चैनल. यू वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन, वी विल मेक दैट टाइम टेबल ऑल्सो फॉर यू एंड टेल यू कैसे जीरो से स्टार्ट करके अच्छे से पढ़ाई करो. सो मेक श्योर ईच वन ऑफ यू बिकम्स अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर एम, यहां तक आपको ले जाना मेरा काम है. कल 800 बच्चे आए थे. I will show you the reviews. कल कितने बच्चों ने weeknight का क्लास लगाया था 3 बजे. So tomorrow 800 students were there yesterday.
800 बच्चे एंड द सेशन वॉज लेजिट लिट. मतलब वीक नाइट का सेशन पेड प्लेटफॉर्म पे, वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे, मॉड्यूलर क्लास, 0 रुपीज. वेदांतु में 0 रुपीज के लिए जो आपको हमने एक वीक नाइट प्लेटफॉर्म दिया है. प्लीज मेक श्योर दैट यू रियली बिकम अ पार्ट ऑफ इट. 800 ऑफ यू वर देयर यस्टरडे. सुपर कूल गाइज, सुपर कूल. फ्रॉम वन चैनल वी बाय कॉलिंग, यस दैट्स अ काइंड ऑफ ट्रस्ट. एंड गाइज मैं हमेशा आपको कहती हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपकी स्टेज ये है. मैंने नीचे क्या लिखा है, लेटर ऑन यू विल बी रियली थिंकिंग वॉट इफ. ये जो इफ होता है ना, ये बहुत पिंच करता है. काश, वॉट इफ यू हैड स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. इफ एंड ट्रस्ट मी, यस ये जो इफ है ना, ये बाद में याद आएगा गाइज, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो सिचुएशन ऐसी होगी. इन स्पाइट ऑफ स्कोरिंग वेरी वेल इन बायो, एंड आपको पता है रियलिटी चेक हो गया, एनसीईआरटी टिक मार्क सीरीज हो गई, एनसीईआरटी अंडरलाइन, यू विल बी एबल टू डू, बट ये आपको लेकर जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मेंटोरशिप लीजिए, पर पढ़ाई भी कीजिए. स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज लेटर ऑन दैट इफ शुड नॉट कम. लेटर ऑन देयर शुड बी ओनली सेलिब्रेशंस. राइट एवरीवन? यस. चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. लेट अस स्टार्ट विद एलिमेंट्री कैनाल. चलिए अब मैं आपके लिए पिछले 5 सालों के सारे एमसीक्यूज ढूंढ के लेकर आई हूं, पिछले 5 ईयर्स के. तो मेरे नोट्स रेडी है, मेरे नोट्स रेडी है, और मेरे नोट्स में पिछले 5 साल के सारे एमसीक्यूज रेडी है. मैंने पिछले 5 साल के सारे एमसीक्यूज ऐसे लिखे हुए, तो मेरे नोट्स रेडी हो चुके हैं. आप मेरे साथ कॉपी करने के लिए रेडी हो? ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहां तक. आर यू रेडी? पिछले 5 ईयर्स के सारे एम्स और नीट के पेपर्स मैं आपके लिए ले आई हूं. आर यू जस्ट कीप कॉपिंग विद मी? क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. चलो एनसीईआरटी में ये दिस इज वन शॉट रिविजन. कीप राइटिंग, कीप कॉपिंग डाउन. इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर केवीपीवाई, वेरी हेल्पफुल फॉर नीट. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? फ्रॉम द माउथ टू द एनस. इट गोज फ्रॉम द माउथ, इट गोज राइट अप टू द एनस, द एलिमेंट्री कैनाल. द लेंथ इज 8.3 meters. एम्स 2007 क्वेश्चन. It is 8.3 meters from mouth to the anus. Is that clear, everyone? So mouth होता है जहाँ पे mechanical breakdown होता है, दांत होते हैं, you chew the food down, right? And you also begin the chemical digestion. Chemical digestion करने के लिए mouth में होगी एक enzyme जिसका नाम होता है ptyalin. There is one more name of the enzyme. इसका नाम होता है amylase, salivary amylase, right? I will talk about all the glands of the mouth, everything, you don't worry about it. ठीक है, salivary amylase, tubal tonsils, सब चीजों की मैं यहाँ पर बात करूंगी. चलिए, right? Digestion of only carbohydrates happens. There is also a protective juice in the saliva, which is referred to as the lysozyme. Lysozyme destroys bacteria by destroying their cell walls. So cell wall deficient bacteria, cell wall deficient form कैसे होता है? Right, it happens because of lysozyme. So दो चीजें बड़ी important है. Esophagus में peristalsis होता है. Esophagus is a tube, not under your control. Smooth muscles, stomach. एक-एक चीज हम detail में पढ़ेंगे. This is just telling you what all we are going to study in today's class. Stomach is going to mix the food. Enzymatic digestion. मैं आपको stomach में pyloric glands के बारे में बताऊंगी. I will tell you about pyloric ulcers. I'm just trying to give you a brief synopsis. क्या-क्या important है? I will tell you about the chief cells, auxiliary cells, parietal cell, mucus secreting cell. फिर हम जाएंगे small intestine में, duodenum, jejunum, ileum. वहाँ पे questions आएंगे. Vascular कौन है? Length किसकी ज़्यादा होती है? Coiled कौन ज़्यादा है? Sulcus entericus पे questions आते हैं. I will discuss all of that. बेटा मैं तो बता ही नहीं रही हूँ, अभी तो मैं बता रही हूँ आपको कि क्या क्या आएगा. Right, so I'm just going to move ahead and tell you all of these things in a lot of detail. So उसके बाद हम move करते हैं small intestine में, जहाँ final enzymatic breakdown of food होता है. उसके बाद हम जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होगा, बिकॉज फूड का मेन साइट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है जी. देन वी आर गोइंग टू मूव टू द एक्सेसरी ग्लैंड्स. ये तीनों एक्सेसरी ग्लैंड्स मैं आज आपको बहुत डिटेल में वन शॉट में करवाने वाली हूं. आई विल टेल यू अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड्स, आई विल टेल यू अबाउट द लिवर एंड द पैनक्रियास. गॉल ब्लैडर भी मेंशन करेंगे.
राइट right? तो इसके पास एंजाइम है जो ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करवाती है. मैंने आपको बोला थायलिनामाइलेज. वी विल कम टू लिवर बाइल जूस, स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर, ग्लिसन्स कैप्सूल, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट डिटेल में डिस्कस होगा. एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास डिस्कस होगा डिटेल में. चले कैन वी स्टार्ट? चलो देन लेट अस गेट गोइंग विद द माउथ. राइट अच्छे से पढ़ते हैं. तो एक एक करके वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. एक एक करके ब्लैंक स्लाइड्स बहुत ज्यादा है आज की क्लास में, तो आई विल कीप टेलिंग यू अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सबसे पहला वर्ड जो आपको माउथ में राइट पहले काम करते हैं. वी विल फर्स्ट सी द स्लाइड्स जो लिखा है एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड. तो हमारा रिमोट भाई साहब कहां है देख लेते हैं. ये रहे. चलिए बिल्कुल अपनी चैट विंडो को बंद कर दीजिए और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे दीजिए. चैट विंडो को बंद कर लीजिए और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे दीजिए. चलो बच्चों लेट्स स्टार्ट राइटिंग थिंग्स डाउन जैसे जैसे मैं करवा रही हूं. तो माउथ कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड अ मस्क्यूलर टंग. टंग इज द फ्रीली मूवेबल ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द कैविटी. टंग किससे अटैच होती है? यहां पर कहां गया मेरा वो पेपर आइडिया? ये रहा. तो टंग किससे अटैच होती है बेटा? टंग को जो अटैच करने वाला ये वाला स्ट्रक्चर है ये एग्जाम में आता है. इस स्ट्रक्चर का नाम होता है फ्रेन्यूलम. क्या नाम होता है लिखिए प्लीज. इट इज रेफर टू एज द फ्रेन्यूलम. लिख लिया आप सबने फ्रेन्यूलम? दैट्स अ वन मार्क क्वेश्चन. करेक्ट एवरीबडी. वेल डन वेल डन वेल डन आप सबने. मतलब ये तो यार बच्चे ही बहुत ही पूरा पढ़कर आते हैं क्लास में. करेक्ट एवरीबडी. सो दैट्स रेफर टू द फ्रेन्यूलम. प्राइमरी डेंटिशन पे आ जाइए. देयर इज 2103 दैट मीन्स प्री मोलर्स आर नॉट देयर. ये सबको याद हो जाना चाहिए. परमानेंट डेंटिशन इज 2123 दैट मीन्स द मोलर्स आर देयर. करेक्ट एवरीबडी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेंटिशन दैट्स रेफर टू इज टू टाइम्स आर डेंटिशन कम्स दैट्स रेफर टू इज डायफियोडोंट. द डेंटिशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. यू हैव इंसाइजर्स कैनाइन्स प्री मोलर्स एंड मोलर्स दैट इज कॉल्ड एज हेटीरोडोंट. हेटीरोडोंट. एक बार एक्सेप्शन आया हुआ है. दिस वॉज नीट 2018 का क्वेश्चन है. होमोडोंट किस में होता है? एलिगेटर्स. दे हैव ऑल द सिमिलर टाइप ऑफ टीथ विच इज रेफर टू इज होमोडोंट विच अकर्स इन एलिगेटर्स. किस में होता है होमोडोंट? एलिगेटर्स. ह्यूमन बींग्स हैव डाइफियोडोंट हेटीरोडोंट. आप देखिए हमारे दांत ज्यादा शार्प नहीं होते. दे आर वेरी नैरो कस्प स्मॉल कस्प दैट इज रेफर टू एज ब्यूनोडोंट. प्लीज राइट दिस डाउन. इट इज रेफर टू एज ब्यूनोडोंट. So humans also have, humans have heterodont, diphyodont, bunodont. The human tooth is going inside the socket of the bone. नीचे bone है. So ये जो roots हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, ये roots जो हैं, ये bone के अंदर ऐसे होती हैं. This is referred to as the acrodont, right? So these are four words which I want you to write down in your copies. Right everyone? Perfect. एक चीज और जो थोड़ी सी हटके है पर एग्जाम में आती है वो मैं आपको बताने वाली हूं. देखो यहां पर मैंने लिख दिया सबसे पहले थीकोडोंट. इट मींस द टीथ आर प्लेस्ड इन जॉ सॉकेट्स. राइट एवरीवन. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हेटीरोडोंट इंसाइजर्स है, केनाइंस है, प्री मोलर्स है, मोलर्स है. टू सेट्स ऑफ टीथ है. 20 आपके मिल्क टीथ है, 32 आपके परमानेंट टीथ है. सब लिखिए. दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखो अभी. दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स. पॉइंट नंबर वन. जब भी आपके दांत हैं, अगर मान लीजिए ये बोन है, ये बोन है, ये बोन, ये बोन है, तो ये दांत की रूट जो है, the root of the tooth is in the bone. दिख रही है आपको? And then there are going to be these fibers which will connect them. कई बार ये फाइबर्स बोन में एक्सटेंड हो जाते हैं. Sometimes these fibers extend into the bone. If the fibers go into the bone, they are referred to as Sharpe's fibers. Ames 2008 question. It is referred to as Sharpe's fibers. Write this down. Write this down. It is referred to as Sharpe's fibers. Sharpe's fibers. जो मैंने acrodont बोला था बेटा, ये अगर bone है ना, कई बार जो दांत होते हैं वो बोन की क्रेस्ट पे अटैच्ड होते हैं लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड एक्रोडोंट इफ इट इज अटैच्ड टू द क्रेस्ट ऑफ द बोन. दिस हैपेंस इन स्नेक्स. ह्यूमन जो दांत है जैसे मैंने आपको दिखाया था वो बोन के अंदर है. दिस इज रेफर टू एज योर थीकोडोंट. इट इज रेफर टू एज योर थीकोडोंट.
एक्रोडोंट इज ऑन द क्रेस्ट ऑफ द बोन, थीकोडोंट इज इन द बोन, एंड द फाइबर्स विच होल्ड देम, द फाइबर्स विच होल्ड देम आर रेफर टू एज शार्पीज फाइबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चीज आपको मैं इस ब्यूटिफुल डायग्राम पे बताने वाली हूँ. कैन एनीबडी टेल मी वॉट इज दिस रीजन कॉल्ड, दिस इनर रीजन इन द ह्यूमन माउथ? कैन एनीबडी टेल मी वॉट इज द स्ट्रक्चर विच इज फाउंड हियर? खुशी आप बताओ, खुशी बताइए, खुशी पावा, अभिक, फैजा, वॉट, नो नो उबुला, नो नो समबडी एल्स, समथिंग डिफरेंट, उबुला, ओके देर इज उबुला देर, बट वॉट इज इट दैट आई एम गोइंग टू, आई एम स्पेसिफिकली गोइंग टू टॉक अबाउट? नो, कोई भी नहीं अभी तक. देर इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट देयर विच इज रेफर टू एज द वॉल्डेयर्स रिंग, which is present in young children, it's called the Waldeyer's ring. It is tonsils which are present, my dear child. So, tongue ki back surface pe tonsils hote hain, jinko lingual tonsil kaha jata hai. Lingual tonsil. Uvla to ye hoga. It is called the lingual tonsil. Aur palate. Palate is this top part. Is pe jo tonsils honge, inko hum palatine tonsil kahenge. So the lingual tonsil and the palatine tonsil will combine, lingual and palatine, and will form the Waldeyer's ring, which is protective in children. Write this down, write this down. So last 6-7 years ke questions kya hai, I have told you 8.3 meters aapki copy mein hona chahiye, lingual tonsil, palatine tonsil pata hona chahiye, frenulum pata hona chahiye, acrodont aaya tha snakes mein, होमोडोंट एलिगेटर्स में, हेटेरोडोंट ह्यूमंस में, 2102 पता होना चाहिए, 2123 पता होना चाहिए, होमो हेटेरोडाइफियो पता होना चाहिए, शार्पीज फाइबर्स पता होना चाहिए. पता है? डन मेरे बच्चों, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? इसके अलावा अब आगे चलते हैं, राइट? इसके अलावा थोड़ी सी चीजें अब इंपॉर्टेंट है. तो स्टमक में जाने से पहले माउथ की दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स, उन पे क्वेश्चंस आते हैं. तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको लिखवाना चाहती हूं, बिल्कुल थोड़ा सा है, लिख लीजिए पर. सलाइवरी ग्लैंड्स, चलो आ जाओ, ठीक है? दो पॉइंट्स है सलाइवरी ग्लैंड्स के, सिर्फ दो पॉइंट्स पर आपको ये लिखना पड़ेगा. तो सलाइवरी ग्लैंड्स के मैं आपको तीन या चार पॉइंट्स लिखवाती हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सलाइवरी ग्लैंड का, विच इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड. ये तो एग्जाम में कम से कम 5 या 6 बार आ चुका है. तो इसका आंसर होगा जी पैरोटिड. कहां इसकी डक्ट कहां खुलती है? इसकी डक्ट को कहते हैं स्टेंसन्स डक्ट. क्या नाम होता है जी इसकी डक्ट का? द नेम ऑफ द डक्ट इज कॉल्ड द स्टेंसन्स डक्ट. इट ऑल्सो हैज इन्फेक्शन इन विच द पर्सन बिकम्स लाइक, द नेम ऑफ द इन्फेक्शन इज मम्स. Mumps is a viral disease which happens in the parotid salivary gland. First three things everybody has written down, right? Stenson's duct, parotid salivary gland. Iske baad jeeb ke niche jo hoti hai, right? So if I have to draw a person like this, if I do have to draw somebody like this, you have the parotid here, because let us say the ear is here. So in front of the ear, you have the parotid. Below the tongue, now suppose this is the oral cavity, this is the tongue. Below the tongue, you have the sublingual salivary gland. Which one do you have? You have the sublingual salivary gland. Can you write this down for me, please? Sublingual, below the tongue. Sublingual ki jo duct hoti hai, uska naam hota hai rivinus. Rivinus. Kya naam hota hai? Bata do please ek bar, last time. सबलिंगुअल की डक का नाम होता है रिविनस. तो बचा कौन सा? एक बचा. व्हाट इज द वन व्हिच इज रिमेनिंग? सब मैंडिबुलर. ये मैंडिबल है ना आपका जॉ, ये रहा जॉ बोन आपका. कॉन्डाइल बना देते हैं ऐसे, बाय कॉन्डाइल एक होते हैं ना ह्यूमन. तो एक इधर सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर. अगर ये टंग होगी, टंग, तो टंग के नीचे वाला कौन होगा? सब लिंगुअल, बिलो द टंग, सब मैंडिबुलर. इसकी डक का नाम होगा वॉर्टन्स. सो स्टेंसन्स, वॉर्टन्स, रिविनस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ वन लास्ट थिंग. एग्जाम में आने का चांस कम है, क्यों चांस ले? बाय चांस दिस इज फॉर बिटर, कभी आ गया तो बिटर. कैन यू सी दैट? एक लास्ट टाइम टेस्ट सेंसेशंस के बड्स का बना लीजिए. This is for bitter, sweet, salt, sour, sour. Cool? Give me a high five.
डन परफेक्ट. यहां पर एक और, एक लास्ट और, टंग, वी शेप नॉच, व्हाट आर दीज कॉल्ड, सर्कमवैलेंट पैपिले, सर्कमवैलेंट बिगेस्ट पैपिले, सर्कमवैलेंट पैपिले. दो पैपिले आते हैं सिर्फ एग्जाम में. और ये जो ऑल ओवर द टंग होते हैं, केराटिनाइज्ड विदाउट टेस्ट बड्स, लास्ट केराटिनाइज्ड टंग को रफ बनाते हैं विदाउट टेस्ट बड्स. देर आर नो टेस्ट बड्स, केराटिनाइज्ड विदाउट टेस्ट बड्स, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म. चले आगे, गिव मी अ हाई फाइव, फिलीफॉर्म पैपिलेट डन. चलिए फिर कॉपी कीजिए, कल रात को मैंने इमेज शेयर की थी अपने माइंड मैप्स की, ऐसे ही कॉपी कर दिया. ठीक है बच्चों, परफेक्ट, दैट्स इट, राइट. सो कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए मेरे साथ, ईच एंड एवरीथिंग आप कॉपी कीजिए. मैं आपको दोबारा बताती हूँ, सलाइवरी ग्लैंड्स है, वन विच इज कैरोटिड, इसकी डक का नाम है स्टेंसन्स डक्ट. आप देखो मैं आपको आगे से आगे अभी माइंड मैप्स के थ्रू करवाने वाली हूँ, डाइजेशन इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल एपिक, राइट. इसकी डिजीज को कहते हैं मम्स. सेकंड पैरोटिड ग्लैंड है आपका टंग के नीचे, सल्फलिंगुअल. इसकी डक्ट को कहते हैं रिविनस. थर्ड पैरोटिड ग्लैंड है आपका विच इज बिलो द मैंडिबल, इट इज कॉल्ड द सब मैंडिबल. और इसकी डक्ट को कहते हैं वॉटन्स. आ जाइए टंग पे, पोस्टीरियर एंड ऑफ टंग इज फॉर बिटर, साइड इज फॉर सार, सामने की तरफ सॉल्ट, और बिल्कुल टिप पे होगा स्वीट सेंसेशन, राइट. आपकी टंग पे पीछे एक वी शेप नॉच होती है, उसके आगे जो सबसे बड़े बिगेस्ट पैपिला होते हैं उनका नाम होता है सर्कमवैलेट, विच इज फॉर टेस्ट सेंसेशन. और पूरी टंग में जो स्पाइक होंगे केराटिनाइज्ड विदाउट टेस्ट बड्स, उनका नाम होगा फिलीफॉर्म पैपिले. यस, परफेक्ट, चलो डन. आ जाओ आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको दोबारा कराना चाहती हूँ, वन स्मॉल थिंग बिफोर वी मूव अहेड, ठीक है, जो आपने कहीं पढ़ी नहीं है बट मैं आपको करवाना चाहती हूँ एक बार, एक छोटी सी चीज, फिर हम आगे बढ़ेंगे. इतना शार्प तीखा सा नाक क्यों हो गया इसका, प्यारा सा नाक बना देते. तो ये लीजिए, करेक्ट पर्सन बना दिया हमने. अब यहां पर, यहां पर ओपनिंग होगी, ओपनिंग. इसको गला बड़ा बनाते हैं, गला इतना पतला क्यों बनाते हैं इनका, तो इतना मोटा सा गला बना देते हैं. यहां पे दो ओपनिंग्स होती है, एक होती है टू ओपनिंग्स, वन इज फॉर एयर एंड वन इज फॉर फूड. एयर की ओपनिंग का नाम होता है ग्लॉटिस, फूड की ओपनिंग का नाम होता है गलट. सिंपल, कभी कंफ्यूज मत हो. अगर ओपनिंग का नाम ग्लॉटिस है तो उसके फ्लैप के कवर का नाम क्या होगा, अगर ओपनिंग का नाम ग्लॉटिस है तो उसके फ्लैप के कवर का नाम क्या होगा, ग्लॉटिस विच इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस. एपी, एपी इज ऑन टॉप, तो कवर का नाम क्या होगा, एपी. तो बेटा हमेशा सामने वाली जो पाइप होती है ये एयर की होती है और पीछे वाली फूड के लिए होती है. कभी मत कंफ्यूज हो ना, एबीसीडी ईएफ जी एच होता है ना, तो सामने ए, एबीसीडी ईएफ जी ए एफ एफ, पीछे फूड. तो इस सामने वाली पाइप को कहते हैं ट्रेकिया. एपिग्लॉटिस नीचे किसमें जाएगा, ट्रेकिया, ट्रेकिया. और ट्रेकिया में किस शेप की कार्टिलेजनस रिंग्स होंगी बच्चों, सी शेप्ड, सी शेप्ड. किस तरह की कार्टिलेजनस रिंग्स होंगी, सी शेप्ड. इज दैट क्लियर एवरीवन? तो जो सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स होंगी बेटा वो किस शेप की होंगी बताओ मुझे, सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स. फास्ट तो मैं जा ही नहीं रही हूं बच्चों, अगर रिवाइज ऐसे नहीं करेंगे क्रैश कोर्स में. सी शेप, तो पीछे की तरफ रिंग्स नहीं है, इनकम्प्लीट, करेक्ट एवरीबॉडी. तो ये जो पीछे वाली है ये क्या है बेटा आपका, फूड पाइप, राइट. क्योंकि इस ए एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो आगे वाली ओपनिंग क्या है, एयर. एफ ओपनिंग क्या है, फूड. ओपनिंग का नाम क्या है, ग्लॉटिस. ओपनिंग का नाम क्या है, गलेट. पाइप का नाम क्या है, ट्रेकिया. पाइप का नाम क्या है, ईसोफेगस, ईसोफेगस. अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं, कई बार चोकिंग फीलिंग होती है ना, दम घुट गया, चोकिंग
होता है ना कई बार यू फील लाइक यू चोकिंग ऑन समथिंग राइट, दैट इज बिकॉज यहाँ पर जो बोलर्स है ना वो इतना बड़ा खाना खा लिया, इतना बड़ा, तो वो कहां पर जा रहा है, वो फूड जाके किसको प्रेस कर रहा है? अगर बड़ा सा खाना खा लिया, इतना बड़ा बर्गर खाने चले, तो वो फूड ने जाके किसको प्रेस किया? वो फूड कहां पे, वो फूड का बोलर्स किसको जाके ट्रेक किया? वाओ, विंड पाइप ट्रेक किया. दैट इज द रीजन यू फील लाइक यू नो देयर इज अ चोकिंग काइंड ऑफ अ फीलिंग व्हिच हैपेंस. सो इज दिस क्लियर? नाउ कैन आई कम टू ट्रेकिया मेरे बच्चों? कैन आई कम टू ट्रेकिया मेरे बच्चों? बता दो, कैन आई कम टू ट्रेकिया? आ जाओ मैं ट्रेकिया पे. यस, तो ये आपका ट्रेकिया यहां पे आ जाएगा और ये आगे चल के आपका प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई लंग वंग बन जाएगा. और ये जो आपका फूड है इसोफेगस, तो ये आपका इसोफेगस और इसोफेगस गया आपके स्टमक में, जे शेप्ड स्टमक, राइट. तो इसोफेगस आपके कहां चला गया पिताजी? फटाफट करते हैं, इसोफेगस आपके चला गया जे शेप्ड स्टमक के अंदर. अब इस स्टमक में ना इस शेप के ग्लैंड है. देखो स्टमक की मसल तो बहुत बड़ी होगी, ऐसे ग्लैंड है जनरली इस शेप की. ये देखो ऐसे स्टमक में ग्लैंड्स है, ये देखो ये स्टमक में ऐसे ऐसे ग्लैंड्स है देखो. और ये ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करते हैं ना, जूसेस. और ये जूस आ गया ऐसे 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 इधर, गैस्ट्रिक जूस. तो अगर मैं इस बड़े से ग्लैंड को ऐसे बनाऊं तो क्या ये एक गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया? सिंपल पिट शेप गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में है, गैस्ट्रिक ग्लैंड. और स्टमक जो है वो बहुत फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसमें रूगे है. सो जे शेप्ड आपका स्टमक हो गया और ये जो स्टमक में ग्लैंड्स हो गए, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम बड़ा करके, लेट अस वॉच दैट इन अ लॉट ऑफ डिटेल, राइट. सो कैन आई इरेज दिस? कैन यू टेक अ स्नैपशॉट? ठीक है, चले. राइट एवरीवन, बताइए. परफेक्ट, कैन आई मूव अहेड? हाथ बना दो. हिकअप्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर होता है डायफ्राम. हिकअप्स क्यों होते हैं, किसी ने पूछा, जवाब दे देते. यहां पे होता है डायफ्राम. डायफ्राम की एक नर्व होती है जिसका नाम होता है फ्रीनिक नर्व, राइट. सो डायफ्राम के पास एक नर्व जाती है जिसका नाम होता है फ्रीनिक नर्व. कई बार फ्रीनिक नर्व इरिटेट हो जाती है, तो फ्रीनिक नर्व डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बहुत जल्दी जल्दी करती है. सो जब डायफ्राम बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ऑटोमेटिकली इट कॉजेस हिकअप्स. Right everyone, perfect. What a phenomenal class. चलिए तो अब हम बढ़ चलते हैं अपने gastric glands की तरफ. तो ये देखिए आपके gastric glands, आपको stomach दिखाई दे रहा है. तो ये आपको stomach जो है, आपको पहले बताओ ये वाला जो top part है जो ऊपर से आ रहा है esophagus, इस part को कहते हैं cardiac. क्या कहते हैं बच्चों? Cardiac. ये नीचे वाले part को क्या कहते हैं बच्चों? इस part को जो intestine के पास जा रहा है, pyloric. Pyloric. Stomach के पास तीन तरह की मसल्स है. देयर इज लॉन्जिट्यूडिनल, देयर इज सर्कुलर, देयर इज ऑब्लिक. एक मसल आती है ऐसे लॉन्जिट्यूडिनल, एक मसल आती है ऐसे सर्कुलर, और एक मसल आती है ऐसे जिसका नाम होता है ऑब्लिक. ये तीनों मसल्स मिलकर ग्राइंड करती हैं स्टमक में. क्या करती है बेटा? तीनों मसल्स मिलकर ग्राइंड करती हैं. बेटा ये वाला कर्व छोटा होता है, इसे कहते हैं लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक. इसे कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक. ये वाला पार्ट कहता है बॉडी, ये डोम शेप पार्ट कहलाता है फंडस, ये वाला पार्ट कहलाता है पाइलोरिक. तो आपको पता होना चाहिए कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, बॉडी, फंडस, pyloric region. You should know the longitudinal muscles, the circular muscles, the oblique muscles. You should know the lesser curvature, the greater curvature, and you should know the gastric pit, which I'm going to explain to you. ठीक है जी? Can we start, मेरे प्यारे बच्चों? तो आ जाइए. So ये gastric pit पे आते हैं. Gastric pit जो cells हैं, they are simple columnar epithelium. MCQ question number one. Most important cells are there which secrete mucus. Mucus secrete करने वाले cells इस shape के होते हैं, जिसको goblet glass की shape कहा जाता है. तो एक cell जो एक columnar cell है, वो ऐसा दिखने लग गया. देखो ये देखो, कॉलमनर सेल ऐसा बन गया. दैट इज कॉल्ड द म्यूकस सिक्रीटिंग सेल. वो म्यूकस सिक्रीट करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ये गॉबलेट सेल कहलाता है.
इसके बाद इसके मेन सेल्स होते हैं पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स का एक और नाम ऑक्सेंटिक सेल्स भी होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेंगे, जिसकी वजह से स्टमक का पीएच 1-4 होगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करने में मदद करता है। चीफ सेल्स मेन काम करते हैं, ये इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन बनाएंगे। इनएक्टिव एंजाइम्स को जाइमोजेन कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल कन्वर्ट दिस पेप्सिनोजेन टू पेनिन टू पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा, प्रोटीन्स के बॉन्ड्स को तोड़ेगा ताकि उनको ब्रेक डाउन कर सके। प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम पेप्सिन जो है वो काम करना शुरू करेगी। यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है जो मिल्क कर्डल करती है। जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर डाइट मिल्क होती है, मिल्क कर्डलिंग एंजाइम का नाम होता है REN. काफ्स में ये बहुत ज्यादा होती है, तो काफ्स के पेट से जब भी मिल्क कर्डलिंग एंजाइम को निकालते हैं और एक स्पेशल चीज बनाते हैं, उसको रेनेट चीज कहते हैं। कौन सा चीज कहते हैं? रेनेट चीज। तो ये कैल्शियम ऑफ द मिल्क इन द कर्ड इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम पैराकेसिनेट। थिक वॉल्ड है, जे शेप्ड है, क्योंकि थ्री मसल लेयर्स है। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पर होता है, राइट बिलो द डायफ्राम होता है, कार्डियक टॉप रीजन, फंडस, बॉडी एंड थायरॉइडस। इट इज गोइंग टू दोनों, ये वाले स्फिंक्टर्स दोनों बंद करके इट विल ग्राइंड द फूड। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन भी करता है, गैस्ट्रिक जूस से मिलाता है और चर्न करता है फूड को। जो भी फूड माउथ से आ रहा है उसको बोलस कहते हैं, बिकॉज इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, एंड वंस इट एंटर्स द स्टमक इट बिकम्स एसिडिक, इट इज कॉल्ड अस काइल। इंटेस्टाइन में बाइल जूस से मिलकर वो काइल कहलाएगा। देर आर मल्टीपल फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन द स्टमक, दीज फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन आर रेफर टू एज रूगे, जिनका सर्फेस एरिया बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। Any doubt still here? You can ask me right now. कि मैम ये चीज हमें समझ में नहीं आई, प्लीज एक बार दोबारा समझा दीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या मैंने आपको बताया अभी तक? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैंने बतानी है, जो कि यहां पर लिखी है, ये रीजन। कोई बच्चा बता सकता है वो मैम क्या चीज बताने वाली है? यहां पर बेस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड में होती है। कौन बताएगा मेरा चुन्नू मुन्नू में से, बताओ मुझे? एक होता है अर्जेंटिफिन सेल्स। अर्जेंटिफिन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो बेटा अर्जेंट। जितना कुछ मैं हैंडमेड नोट से लिख रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस में होते हैं अर्जेंटिफिन सेल्स, राइट। जाइमोजन बच्चों आपका इनएक्टिव ग्रैन्यूल्स है। लैक्टियल यहां कहां से आ गया? अर्जेंटिफिन सेल्स। आपके अर्जेंटिफिन सेल्स सेरोटोनिन, सोमैटोस्टैटिन और हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं। मैं इन सब के बारे में बताऊंगी। सेरोटोनिन, सोमैटोस्टैटिन, लिखिए सेरोटोनिन, सोमैटोस्टैटिन और हिस्टामिन। हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करेंगे? सेरोटोनिन, सोमैटोस्टैटिन और हिस्टामिन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? और लास्ट में एक और सेल्स है यहां, जिनको जी सेल्स कहते हैं, जो गैस ट्रिन सिक्रीट करते हैं। मैं सबके फंक्शंस पे आने वाली हूं। गैस्ट्रिन सिक्रीट करते हैं, इज दैट क्लियर? अर्जेंटिफिन सिक्रीट सेरोटोनिन, सोमैटोस्टैटिन। सेरोटोनिन वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल को नैरो करेगा। हिस्टामिन वेसो डायलेटर, ब्लड वेसल को ब्रॉड करेगा। और सोमैटोस्टैटिन सारे फंक्शंस को रोक देगा, सारे सिक्रीशंस को रोक देगा। स्टॉप 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 स्टॉप, राइट। एंड गैस्ट्रिन। सो यहां पर इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम्स में कुछ नहीं आएगा। जाइमोजन आपके इनएक्टिव चीजें होती हैं बेटा, इनएक्टिव है ना ये सेल, तो ये आपको पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव, HCl उसको एक्टिव करेगा। सो ये रहा आपका इंटायर एलिमेंट्री कनाल में स्टमक, जो मैंने आपको काफी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाए हैं। आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन पे, सारा कुछ अब मैं आपको ऐसे रिवाइज करवाने वाली हूं ना, यू विल बी लाइक वाओ। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पे आ जाओ, यहां मैं आपको पेनिस सेल्स और अर्जेंटिफिन सेल्स पे बहुत डिटेल में बताने वाली हूं। यस एवरीवन, यहां भी अर्जेंटिफिन सेल्स होंगे, पेनिस सेल्स होंगे, ब्रूनर सेल्स होंगे। आ जाइए स्मॉल इंटेस्टाइन पे,
तो मैं इसमें आपको सारी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने वाली हूँ। पर्पल कलर का देखो, पेयर्स, पैचेस, पेंसिल, सब एक्स्ट्रा। कॉपी खोल के बैठो, बस फटाफट पढ़ते हैं। चलिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा है, पर स्मॉल क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका डायमीटर छोटा है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द गट। It is 7 meters long and 2.5 centimeters in diameter. It consists of your duodenum, it consists of your jejunum, it consists of your duodenum, jejunum and ileum. And mere pyare chunyo munyo naughty bachcho, ek baat batao, sara lecture record ho raha hai? Teen baaton ka jawab do jaldbaazi mein. Sara lecture record ho raha hai? आप दोबारा देख सकते हो जो समझ में नहीं आया, जल्दी यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, यस मैम। आप दोबारा देख सकते हो जो समझ में नहीं आया, यस मैम। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जो बोले वानी मैम ने जवाब नहीं दिया। मैं एक दिन में 3,000 टेलीग्राम मैसेजेस का जवाब देती हूँ। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेजेस का, टेलीग्राम मैसेजेस का जवाब देकर। मैं दो दिन बाद क्यों ना दूं, तीन दिन बाद क्यों ना दूं, चार दिन बाद क्यों ना दूं, वॉइस मैसेज ही क्यों ना दूं, वीडियो मैसेज क्यों ना दूं, बताओ। मैं जवाब देती हूँ, यस मैम। कमेंट करोगे आपको हम जवाब दे देंगे। तो अब बैठ के समझ लो, पढ़ लो नालायको। यस एवरीबॉडी, चलो आओ फिर। आपके लिए मैंने मेंटोर्स तक लगा दिए हैं कि यार पढ़ो आप, शुभम सर है, पढ़िए आप। यस फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे पहले पढ़ो। चलो आ जाओ अभी इंटरस्टाइनल ग्लैंड्स पे आ जाओ, ठीक है? तो चलिए फटाफट इंटरस्टाइन पे चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। आप इधर उधर टाइम पास करोगे तो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो रह जाएगी। सो इसमें ड्यूओडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। ड्यूओडेनम आपका सी शेप पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट। इसमें मैं लिवर पैंक्रियास पे भी आऊंगी कि कैसे जो ड्यूओडेनम पार्ट है आपका वो मल्टीपल उसके पार्ट्स होते हैं। ड्यूओडेनम पे कैसे मल्टीपल ओपनिंग्स होती है लिवर वगैरह की, मैं उस पर आऊंगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है? मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम, मैंने तो आपको एब्जॉर्प्शन तक करवाना है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन सब करवाना है। ड्यूओडेनम सी शेप, जेजुनम मिडिल पार्ट, इलियम टर्मिनल पार्ट। अब इंटेस्टाइन में कौन आया? इंटेस्टाइन में आया काइम फ्रॉम स्टमक, जो कि बहुत एसिडिक है। तो इंटेस्टाइन को अल्कलाइन जूस चाहिए ताकि इस एसिडिक को वो काइम को वो काइल बना सके। पर काइल तो इंटेस्टाइन में तभी बनेगा जब बाइल जूस आएगा और पैंक्रियाटिक जूस आएगा। तो बाइल और पैंक्रियास के जूस जो इंटेस्टाइन में आएंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइल और पैंक्रियास के जो जूस है वो अल्कलाइन है। राजिका इतना कमेंट मत करो बेटा, प्लीज स्पैम मत करो, है ना? पढ़ाई पे ध्यान दो। Bile or pancreas, right everybody? So digestive enzymes and bicarbonate from pancreas will come. Bile will come from liver. Bile is produced in the hepatocytes of the liver. But gallbladder इसको क्या करता है बताओ? Gallbladder इसको क्या करता है? Store करता है बच्चों और release करता है. Stores करता है और release करता है. Very well done. बहुत बढ़िया. अच्छे से पढ़ो. बेटा देखो बहुत teachers होते हैं, वो होता है यार, ठीक है, मेरी तारीफ करते चलो क्लास में, हार्ट बनाते चलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी तारीफ चाहिए ना आपके हार्ट चाहिए। आप तारीफ भी अपने पास रखो, आप हार्ट्स भी अपने पास रखो। आप यस कोई फैन क्लब बनाते हो, अच्छी बात है, पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो। डन एवरीबॉडी, इस बात पे हाथ बनाओ, पढ़ लो, आपका फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। आप नहीं पढ़ोगे तो बाद में पछताओगे। लेटर ऑन यू विल बी थिंकिंग, व्हाट इफ मैं पढ़ लिया होता, काश मेरे को पढ़ लिया होता। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, बस पढ़ लो, कोई तारीफ मत करो, मैम यू आर वेरी गुड, मैम योर लेक्चर इज वेरी गुड, मैम योर ऑसम, मैम जो है सो है, छोड़ो छड्डो परे। डन, मैम को नहीं चाहिए आपकी तारीफ, मैम को ही नहीं करना है क्लास में, मैम को आपकी तारीफ भी नहीं चाहिए, मैम यहाँ पढ़ाने आई है सुबह 9 बजे सर्दी के दिन में विदाउट ब्रेकफास्ट, आप पढ़ लो, है ना राधिका मैम की बच्ची? यस गुड गर्ल, यस पढ़ लो यार, सिर्फ पढ़ लो और कुछ नहीं चाहिए। डन, अपने मम्मी पापा की तारीफ करो जो फीस भर रहे हैं, जो आपके प्लेट में खाना डाल रहे हैं। मैं तो अपना काम कर रही हूँ यार, सिंपल, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं अपने मम्मी पापा को बोलो बहुत अच्छी हो, बहुत स्वीट हो, बहुत हार्ट वार्ट्स उनके लिए बनाओ, उनके लिए गाने वाने गाओ। यस, अपने दादा दादी के लिए करिए, नाना नानी के लिए करिए, जो असली में आपको पाल पोस रहे हैं, और यहां पर आकर आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। करेक्ट, जब मैं बुलाती हूँ दिन में 3 बार आपको बुलाती हूँ, 3 बार आओ, शांति से आओ, बैठो, पढ़ाई करो, यस, और सीट लेके दिखाओ। डन, परफेक्ट, चलो आ जाओ। तो आपको ये बेसिक पता चल गया। अब आपको पता होना चाहिए दैट इंटेस्टाइन में सबसे पहले ये फोल्ड है,
इन फोल्ड्स के अलावा जो इंटरसेक्ट की एपिथेलियम है उसमें विलाय है, और बेटा विलाय के ऊपर और भी छोटे विलाय है। तो ये जो विलाय के ऊपर विलाय है, सबसे पहले तो ये विलाय है, और विलाय के ऊपर और विलाय को क्या कहेंगे बेटा जी, हम कहेंगे माइक्रोविलाय। क्या कहेंगे? माइक्रोविलाय। सो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बोलस काइंकाइल, आपको पता होना चाहिए ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, राइट एवरीबडी। आपको काइल पता हो गया, आपको लिवर और पैंक्रियास की सिक्रीशन पता हो गई, आपको ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम पता चल गया, माइक्रोविलाय पता चल गया, विलाय का विलाय माइक्रोविलाय, यस, विलाय का विलाय माइक्रोविलाय। और अगर आप एक विलाय बनाओगे, अब मैं एक विलाय बना के दिखाती हूँ और फिर मैं इस पे आ रही हूँ इस पे, तो एक विलाय के अंदर जो ये यहां पे बनाती हूँ डायग्राम ताकि आप देख सको, और फिर उस डायग्राम पे तो मैंने बहुत कुछ समझाना है, अभी पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे अगले 15 मिनट तक क्लास में, ठीक है। आओ, ये जो बीच में पार्ट है ना, बीच में मोटा पार्ट जो फैट्स एब्जॉर्ब करेगा, मिसेल्स एब्जॉर्ब करेगा, ये जो बीच का मोटा पार्ट है, बिल्कुल दीपक जी सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, इट इज कॉल्ड द लैक्टियल, येलो कलर का होता है लैक्टियल, लिम्फैटिक वेसल है, लिम्फ है, बिकॉज द डायमीटर ऑफ द लिम्फैटिक वेसल इज मोर, फैट्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन ब्लड वेसल, इस बात को याद रखो, फैट्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन ब्लड वेसल बिकॉज द डायमीटर ऑफ द फैट्स इज मोर एंड द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी इज लेस, राइट, एंड इसके आस पास कैपिलरीज है, सो दिस इज रेफर्ड टू एज योर कैपिलरी, राइट एवरी वन, ये आपकी कैपिलरी, ठीक है जी। तो आपको ये पता होना चाहिए आसपास वाला कैपिलरी है। अब आप आ जाइए विलाय पे, इज दैट क्लियर। अब विलाय मैंने आपको समझा दिया, फिंगर लाइक एक्सटेंशन विलाय के ऊपर लगे हुए, माइक्रो विलाय, विलाय में लैक्टियल और लिम्फेटिक ग्लैंड्स है, डन। अब बेटा ये विलाय के बीच में जो छुपा हुआ रीजन है, ये विलाय है, विलाय के बीच में जो छुपा हुआ रीजन है इसको क्या कहते हैं, विलाय के बीच में जो छुपा हुआ रीजन है इसको क्या कहते हैं बेटा, विलाय के बीच का छुपा हुआ रीजन क्या कहलाएगा, कौन मेरा बच्चा बताएगा मुझे, विलाय के बीच का छुपा हुआ रीजन क्या कहलाएगा, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरखून, इट इज कॉल्ड द क्रिप्ट ऑफ लिबरखून, वेरी गुड। इसको लिख देते हैं हम, विलाय के बीच का जो छुपा हुआ रीजन है ये, राइट, इट इज कॉल्ड द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरखून। क्यों मैंने डिस्कस किया आपके साथ क्रिप्ट्स ऑफ लिबरखून बताओ, चलो, Why did I discuss the crypts of Lieberkuhn? Because crypts of Lieberkuhn में goblet cells हैं और enterocytes हैं। Goblet cells secrete करेंगे mucus और enterocytes secrete करते हैं enterocytes, electrolytes secrete करते हैं enterocytes, right everyone? Enterocytes are there. Is that clear? मैं साथ साथ आके आप सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ बच्चों, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। Is that clear? Perfect. बेटा यहाँ पर WBCs type के cells होते हैं, the WBC वाले cells कहलाते हैं Paneth cells. क्या कहलाते हैं? Paneth cells. Paneth cells and Peyer's patches are the WBCs of the intestine. See, every structure in the human body will want to protect itself. So, the liver protects itself because of Kupffer cells, right? The intestine protects itself because of Peyer's patches and Paneth cells, which are phagocytic. So, I will repeat this entire structure. I've been repeating every small thing so many times. We know about the small intestine. We know about duodenum, jejunum, ileum. We know about bolus caenchyle, right? We know that the food in the intestine needs to be alkaline. So, the digestive juices from the pancreas as well as the liver, these digestive juices from the pancreas and the liver need to make it alkaline. I will come to that part. I know that there is villi. Villi ke upar hai microvilli. Villi ke andar hai lacteal or blood vessel. Niche jo chupa hua part hai wo crypts of Lieberkuhn hai. Crypts of Lieberkuhn mein aapke goblet cells aur enterocytes hai. Beech mein aapke Peyer cells aur Paneth patches hai. Ab banao heart. Chaliye ab banaiye Peyer patches aur Paneth cells hai. Is that clear? और बेस में आपके एक और सेल है जिनका नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड सुकस एंटेरिकस सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कौन से ग्लैंड्स होते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड बेस में जो सुकस एंटेरिकस सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा यहां भी अर्जेंटिफिन सेल्स होते हैं। तो मैं दो चीजें यहां लिख देती हूं। यू हैव द ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स जो सुकस एंटेरिकस सिक्रीट करते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, एंड यू हैव अर्जेंटिफिन सेल्स। अर्जेंटिफिन सेल्स बनाते हैं 5-hydroxytryptamine।
अर्जेंटिफिन, लिख देती हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटिफिन सेल्स बनाएंगे 5-hydroxytryptamine. 5-hydroxytryptamine से आगे चल के हेपेरिन, हिस्टामिन और सर्टोनिन बनता चला जाएगा. ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन. Understood everyone? इन ये मैं आपको स्ट्रक्चर करा रही हूँ. स्ट्रक्चर कराने के बाद मैं फंक्शन पे आने वाली हूँ. आ जाइए लार्ज इंटेस्टाइन पे. बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये आपका इलियम. तो जहां पर इलियम खत्म होगा और वो लार्ज इंटेस्टाइन से मिलेगा, इलियोसीकल वाल्व होगा. ये तो सीकम है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इलियोसीकल वाल्व होगा. यहां पर एक छोटा सा वेस्टिजियल स्ट्रक्चर हैंग कर रहा होगा जिसका नाम अपेंडिक्स है. अपेंडिक्स राइट नाउ कैन बी अ स्टोर हाउस ऑफ WBCs. इनिशियली अपेंडिक्स सेलुलेस बनाता था. अभी एक स्टोर हाउस ऑफ WBCs हो सकता है. असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन. इज दिस अ एस शेप्ड कोलॉन? कैन यू सी अ रफ एस शेप विद माई ब्लू कलर्ड पेन, प्लीज टेल मी. Can you see a rough S shape with my blue colored pen? Please tell me. If you can see a rough S shape with my blue colored pen, please remember that is called the sigmoid canal. Rectum, anal canal, anus. Right? और ये pouches नजर आ रहे हैं आपको, pouches. इन pouches को कहते हैं haustoria, haustra. Very important from MCQ. Haustra को haustoria से confuse मत कीजिएगा. That is the sucker. Right everybody? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए. Is that clear everyone? बहुत बढ़िया. अब मैं आ रही हूँ, haustra बड़ा important है. मैंने और क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पर digestion वाले questions बड़े आते हैं यार. तो अब मैं फटाफट से digestion पे move करने वाली हूँ. 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, तीन पार्ट्स है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. पहले ब्लाइंड सा एरिया आ जाता है सीकम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग. यहां पर लिवर आएगा और इस साइड को स्प्लीन आता है. राइट, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक इज लिवर, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक इज स्प्लीन, एंड बीच में आपका इंटेस्टाइन बहुत अच्छे से फिट हो जाता है. राइट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम विच इज फॉर टेम्पररी स्टोरेज, एंड हाउ डज द बॉडी थ्रो इट आउटसाइड थ्रू द एनस. एनस के पास दो वाल्व्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल इज इनवॉलंटरी, एक्सटर्नल इज वॉलंटरी. राइट, परफेक्ट. ठीक है, बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड. सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं बी विटामिन्स एंड के. के को फाइलोक्विनोन कहते हैं. के लिवर में जाके क्लॉटिंग फैक्टर्स बनवाता है. तो अगर किसी के पास विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई, उसका ब्लड क्लॉट नहीं करेगा. के लिवर में जाके क्लॉटिंग फैक्टर्स बनवाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉटर आयन्स और विटामिन्स को एब्सॉर्ब करते हैं, जैसे अल्कोहल और वॉटर को आपका स्टमक भी एब्सॉर्ब करता है. विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं, लिवर में जाके क्लॉटिंग फैक्टर्स बनवाने में हेल्प करता है. नो विटामिन के, नॉट फंक्शनिंग लिवर, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स बॉडी में होंगी. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिग्मोइड कोलॉन पे क्वेश्चन आते हैं, हाउस्ट्रा पे क्वेश्चन आते हैं, एंड ऑब्वियसली आपके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पे क्वेश्चन आते हैं. किसी जमाने में सेलुलेस बनाता था, बट अब सेलुलोज तो हम डाइजेस्ट नहीं करते. सो इट इज ओनली अ टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ WBCs. आ जाइए, अब हम चलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स पे. क्या मैंने आपको समझा दिया एक्सेसरी ऑर्गन नंबर वन? क्या मैंने आपको तीनों सलाइवरी ग्लैंड समझा दिया? देखिए, मैं दो दो तीन तीन बार सब कुछ समझा रही हूँ आपको. फंक्शंस ऑफ सलाइवा, 99.5% वॉटर एंड सॉल्यूट्स, थोड़ा सा एसिडिक, पीएच 6.8 होता है. राइट, पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट फॉस्फेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्रेटरी एंटीबॉडी, एमसीक्यू. लाइसोजाइम, एमसीक्यू. सलाइवरी एमाइलेज, स्टाइलिन, एमसीक्यू. सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा. राइट एवरीवन, ईयर के पास एमसीक्यू, स्टेंसन्स डक्ट एमसीक्यू, वॉटन्स डक्ट इज ऑफ सबमैंडिबुलर एमसीक्यू, डक्ट ऑफ रिविनर सब लिंगुअल ग्लैंड एमसीक्यू. वाणी मैम ने सब करवा दिया आपको, देख लो कितने कितने एमसीक्यूज हैं. कैन यू सी दिस डायग्राम जो मैंने अपने हाथ से भी बनाया था थोड़ी देर पहले?
चलिए, सो गाइज डोंट मिस आउट बिकमिंग अ टॉपर विद अस, गाइज डोंट मिस आउट दिस एबिलिटी. फिजिक्स केमिस्ट्री के बिना कुछ नहीं होगा, मैं आपको 1 करोड़ बार बता चुकी हूँ. चले जाइए vdnt.in/ytpro पे, ले लीजिए वीडी प्रो कोड लगाकर प्रो मेंबरशिप, इन विद जस्ट इन 1 month आप बहुत सारे क्रैश कोर्सेज वगैरह से पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट लेवल अमेजिंग. पंकज जी धन्यवाद आ रहे हैं. अभी तो लिवर करना है, पूरा डाइजेशन करना है, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. धुनाई कर दूंगी लिवर और डाइजेशन के बाद, इधर उधर भागे दो, राइट. एंड गाइस जो क्रैश कोर्स है ना, जो कल से शुरू हुआ है, 120 सेशंस में आपके पास पूरा सिलेबस करने की इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती. इन जस्ट 120 सेशंस आई एम गोना मेक श्योर दैट आप पूरा सिलेबस करिए हमारे साथ, राइट. टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस आप पढ़िए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए एक एक चीज, अनलिमिटेड डाउट पूछो. ये एक लौता क्रैश कोर्स है पूरी मार्केट में, आपको डाउट्स ही डाउट्स. ये नहीं आपको रिकॉर्ड करके सेशन दे दिया, चलिए देखिए नहीं समझ में आए तो आप क्या करो. यू आस्क डाउट्स लाइक हाउ मच एवर डाउट्स यू हैव, राइट. पूछिए डाउट्स, समझिए, एंड आपको अनलिमिटेड डाउट्स जब तक आपका सेशन खत्म नहीं होता. अनलिमिटेड टेस्ट एवरी संडे जब तक आपका सेशन, जब तक मतलब सेशन वर्ड, जब तक आपका यू नो टिल द टाइम क्लास कहां से एंड होगी बेटा दीपक नाविक, तो बहुत पढ़ना है. जब तक आपका कंप्लीट एंड नहीं होता तब तक के लिए वी आर नॉट, जब तक टेस्ट नहीं होगा वी विल गिव यू डाउट्स एंड क्रैश कोर्स, राइट. और ये देखिए बच्चों, 10,000 का कोर्स आपको सिर्फ 8,000 पे मिल रहा है अगर आपने वीडी प्रो कोड लगाया. एक दिन में आपको 4 सेशन, सो एवरी डे यू हैव टू स्पेंड 33 रुपीज. You will get 4-hour sessions for 33 rupees, not even 10 hour for 10 rupees for 1-hour session. So code laga lijiyega VD. Aa jao liver pe. Liver ke baad hum badhenge aage digestion pe. Fir karenge digestive diseases, right? Chalo aa jao fir liver pe aa jao. Sabse bada aapki body ka gland kaun sa hai bata do chalo. Sabse bada aapki body ka gland kaun sa hai? एग्जाम कब होगा बेटा, मुझे तो कुछ पता नहीं है. बोर्ड एग्जाम्स की डेट तो हम साथ बैठ के करते सारे को देखने वाले. सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लिवर. डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? लिवर. हाईएस्ट रीजनरेशन एबिलिटी किसमें है? सबसे ज्यादा रीजनरेट कौन करता है? लिवर. इसके बाहर की कवरिंग को क्या कहोगे? ग्लिसन्स कैप्सूल, एमसीक्यू, लार्जेस्ट ग्लैंड, हाईएस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी. कितने लोब्स है? 4 लोब्स, लेफ्ट राइट कॉर्डेट क्वाड्रेट. सब बच्चे उल्टा करके आते हैं एग्जाम में, 2 लोब लिख के आते हैं. लेफ्ट और राइट के बीच में एक लिगामेंट है जिसका नाम है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट. ये देखो, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, पर इसके फिर से 2 लोब बने, कॉर्डेट क्वाड्रेट, राइट एवरीबॉडी. सो ग्लिसन्स कैप्सूल, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, 4 लोब. नाउ नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. न्यूरॉन is the structural and functional unit of the brain. Sarcomere is the structural and functional unit of the muscles. What is the structural and functional unit, Amar, Kirti, bataiye, of the liver? It is the hepatic lobules which help in secretion of bile. Liver ek juice banayega jisko bile kahenge, jisme bilirubin, biliverdin aur bile salts honge. Isme koi enzyme nahi hoti hai. Ye fats ko धो देता है, फैट्स के छोटे 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 टुकड़े कर देता है. एब्सोल्युटली धो डालो द फैट्स, व्हिच इज रेफर्ड टू एज इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स. इट हैज नो एंजाइम्स, रिमेंबर दिस. देयर आर नो एंजाइम्स इन बाइल. इट हैज बाइल सॉल्ट्स. इट हैज बाइल सॉल्ट्स का नाम होता है सोडियम टॉरोकोलेट, पोटेशियम टॉरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, पोटेशियम ग्लाइकोलेट, राइट एवरीवन. इसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होंगे, व्हिच इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी डीजनरेशन. ये फैट्स को इमल्सिफाई करेगा. इस कोने में क्या आपको 3 चीजें नजर आ रही हैं? इस कोने में क्या आपको 3 चीजें नजर आ रही हैं? एक आर्टरी, एक पोर्टल वेन जो इंटेस्टाइन से आती है, पोर्टल वेन, और एक बाइल डक्ट. बाइल डक्ट ग्रीन जो बाइल सिक्रीट कर रही है. क्या सारे बच्चों को 3 चीजें नजर आ रही हैं? कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे 3, इस कॉर्नर पे 3, इस कॉर्नर पे 3, ऐसे होता है, हेक्सागन शेप का होता है. और सेंटर में होती है आपकी सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन. और हर एक कोने में 3-3-3 ऐसे, 3-3-3 जो सेंट्रल वेन में जाते हैं, ये राइट. और ये सेल्स कहलाते हैं हेपेटोसाइट्स. और बीच बीच में होते हैं, ये सेल्स कहलाएंगे हेपेटोसाइट्स, राइट. और बीच बीच में ये जो WBCs है, ये कहलाते हैं आपके कूपर सेल्स, जो WBCs का काम करते हैं. ये 3 कहलाएंगे आपको पोर्टल, ट्रायड या हेपेट
ट्रायड एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। ये तीन तीन क्या कहलाएंगे आपके लिए बेटा? हेपेटिक ट्रायड, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो नहीं लिखा तो ट्रायड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देयर इज हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन एंड ऑब्वियसली योर बाइल डक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? Perfecto. So bile का composition क्या है? Has no enzymes is an MCQ question. Bilirubin, biliverdin pigments होते हैं जो RBC से आते हैं। अगर bile duct block हो गई, अगर bile duct block हो गई, तो bilirubin, biliverdin will come back into the body, जिसकी वजह से body की pigmentation बढ़ जाएगी, which is referred to as jaundice, Bile salts, cholesterol होगा for emulsification of fats and phospholipids. Blood को detoxify करता है, MCQ का favorite question है, right? Stores iron, vitamin A, D, E, K. Fat soluble vitamins आपके liver में store होंगे सारे के सारे. B12 because clotting करवाता है. Otherwise fat soluble vitamins MCQ question. B12 इसलिए because clotting करवाएगा, MCQ question. प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है. अगर किसी की बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डेफिशिएंसी हो गई, एमसीक्यू क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन की डेफिशिएंसी हो गई, कौन सा ऑर्गन खराब हो रहा है? किसी की बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन की डेफिशिएंसी होगी भाई, कौन सा ऑर्गन खराब हो रहा है? लिवर. प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है. ग्लाइकोजेनेसिस कौन करता है? एमसीक्यू क्वेश्चन. एक एक पॉइंट एमसीक्यू है, नोट्स को डाउनलोड कर लो. Every question is an MCQ question. Glycogenesis कौन करता है? Liver. कौन से दो areas है जहां glycogen body में store होता है? MCQ question. कौन से दो areas है जहां glycogen store होता है? Liver and muscles. Breaks down glycogen to glucose और urea produce करता है. ये MCQ question हमने excretory system में कितनी बार किया था? Production करेगा आपका liver, excretion करेगा आपका kidney. Super awesome notes. कितने बच्चे मान रहे हो? एक एक चीज, ये तीन चीजों में मैं 15 एमसीक्यू बना सकती हूं. आई कैन मेक 15 एमसीक्यूज. एवरीथिंग विच यू नीड टू नो, इसे कहते हैं रिविजन. एवरीथिंग आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, देखिए एक एक चीज यहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन है. लोब्स, ग्लिसन्स कैप्सूल, नो एंजाइम्स, बॉय, बिलिरुबिन, एवरी वर्ड इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, राइट? इसे कहते हैं नोट्स, कि आपके कितने क्रिस्प कॉन्साइज छोटे नोट्स, एक एक पॉइंट. इनसे बढ़िया नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकते गाइस. दिस इज माय पार्ट. आ जाओ पैनक्रियास पे. एक एक चीज एमसीक्यू क्वेश्चन है. आप फोटोज देखो, अभी भी नहीं पढ़ोगे तो मतलब फिर किस्मत ही खराब है ना? अगर अभी भी नहीं पढ़े तो फिर क्या किया आप? दो पार्ट है, हेटेरोक्राइन, सेकेंड लार्जेस्ट लिख दिया मैंने यहां एमसीक्यू, हेटेरोक्राइन है, क्योंकि आपको दिख जाना चाहिए एक्सो एंडो दोनों होगा तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड होगा. 5 मिनट में चैप्टर खत्म होने वाला, अभी भी नहीं पढ़ोगे फिर तो सच में धत्तेरे की किस्मत है, मतलब बुरा हाल है. पैंक्रियाटिक जूस बनाएगा एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन के पास क्या होगी? डक्ट. दो डक्ट है, एक ये अकेली और ये कॉमन बाइल डक्ट. कॉमन बाइल डक्ट स्फिंक्टर ऑफ ओडी, एम्फ्यूल ऑफ वाटर, डक्ट ऑफ सैंथोरिनी, डक्ट ऑफ विरसंग, राइट एवरीबडी? Duct of Santorini and Duct of Virsung. Is that clear? आ जाइए. चलिए. Produces pancreatic juice. Water, salt, sodium bicarbonate. क्यों release किया pancreas ने? क्यों release किया sodium bicarbonate? क्योंकि acidic fluid आ रहा है stomach से. Stomach से कौन सा fluid आ रहा है? Acidic fluid. तो उस acidic fluid को क्या करना है? Neutralize. एंजाइम कौन सी होगी? ट्रिप्सिनोजेन एंड हीमोट्रिप्सिनोजेन. अगेन इनएक्टिव, एक्टिव होंगी तो स्टमक को डिस्ट्रॉय कर देगी. पीएच देखो, क्योंकि ये इसको इंटेस्टाइन को क्या बनाना है, इस पीएच को काइल, इसलिए अल्कलाइन पीएच. इट विल न्यूट्रलाइज एसिडिक. ये रहा, दिस इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड व्हिच कम्स फ्रॉम द डक्ट्स. और एक डक्ट कहां से आ रही है? आपके लिवर, गॉल ब्लैडर वाली दोनों मिल रही है. कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, क्या बन गई मिलकर? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट. इज दैट क्लियर? एक्सोक्राइन पार्ट ये है आपका. कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम पैंक्रियाटिक अमाइलेज, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम पैंक्रियाटिक लाइपेज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन. देख लो कितने अच्छे से लिखा हुआ है. Just see this.
हाउ नाइसली इट हैज बीन रिटन. न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए राइबोन्यूक्लियस एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, देख लीजिए ये रहा. और आपका एंडोक्राइन पार्ट क्या करता है, एंडोक्राइन पार्ट क्या करेगा, ग्लूकागॉन शुगर इंक्रीज, इंसुलिन शुगर डिक्रीज, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सोमैटोस्टैटिन, अल्फा सेल्स बीटा सेल्स यस, पीपी सेल्स डेल्टा सेल्स यस, एवरीबॉडी परफेक्टो. चार आपको कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम मिल जाएंगे, आपको फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम मिल जाएंगे, स्टमक में सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम थी, आपको प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम मिल जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग. और ये देखो ये डक्ट, देखो डक्ट, ये देखो डक्ट, डक्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है, एक्सोक्राइन, ये देखो डक्ट. और ये कहां डालेगा अपना सीक्रेशन, ये ब्लड में, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, इंसुलिन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागॉन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. सिंपल डन. चलिए अब हम इसको समझते हैं एंड वी विल डू दी वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेशन. मैं आपको एक चार्ट में डाइजेशन करवा दूंगी, एक चार्ट में. पीडीएफ आपको कहां मिलेगा मैं अभी बता दूंगी आपको क्लास के बाद, ठीक है. एक चार्ट में डाइजेशन, आप भूल जाओगे कि यार क्या हुआ, मतलब लेजेट लेट इतना लंबा चौड़ा डाइजेशन करते हैं लोग, इधर से पढ़ते उधर. आपको मैंने एनसीईआरटी वाले चार्ट को इस एक चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, एवरीथिंग इज देयर, सारी चीजें, ठीक है. और कल आपको बता ना मेंटी आने वाला है सॉलिड वाला. सबसे पहले आ जाओ ओरल कैविटी में. सबसे पहले ओरल कैविटी में क्या हो रहा है, सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ डाइसैकेराइड्स में बना पा रहे हैं माल्टोज, इससे ज्यादा मोनोसैकेराइड्स बेचारे बन ही नहीं रहे हैं, सिर्फ डाइसैकेराइड माल्टोज. तो यहां पे आपने कौन सा पॉइंट याद रखना, सलाइवरी अमाइलेज माल्टोज, खत्म, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है. सेकंड पॉइंट पे आ जाओ स्टमक. स्टमक में आपका कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा एक्सेप्ट प्रोटीन. आपके पास है गैस्ट्रिक लाइपेज है, पर गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है, इनएक्टिव. तो आपके प्रोटीन डाइजेस्ट हुए, बट आपके प्रोटीन डाइजेस्ट जो है वो कभी भी अमाइनो एसिड बन रहा है, किसी को दिख रहा है अमाइनो एसिड, प्रोटीओसिस और पेप्टोन्स तक बन रहा है बस, क्योंकि प्रोटीओसिस लिख दिया ना तो यहां पेप्टोन लिखते हैं, एंजाइम ही नहीं है, ठीक है. कोई न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कोई फैट डाइजेस्ट नहीं आ रहा. आप आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन पे. स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ गई आपकी पैंक्रियाटिक अमाइलेज, कंटिन्यू कर दिया, देखो अमाइलेज अमाइलेज. यहां पर क्या हो रहा है, नो स्टार्च, देख लो आप, नो स्टार्च ओनली प्रोटीन, नो स्टार्च नो न्यूक्लिक एसिड नो फैट. पैंक्रियाटिक अमाइलेज आई, डाइसैकेराइड्स में बन रहा है, यस एवरीवन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज आ गई, यस, ठीक है. पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने काम करना शुरू कर दिया, पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन आ गई और स्मॉलर, और इसको किप्सिन ट्रिमोकिप्सिन को एक्टिवेट किसने किया, ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन को एक्टिवेट किसने किया, इंटेस्टाइन से कौन आ गया वहां पे, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड स्मॉलर प्रोटीओसिस में बना, कार्बोक्सी पेप्टिडेसिस आया, उसने उसको और स्मॉल पेप्टाइड्स में बनाया. पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस पहली बार आई, डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट किया. टाइडेस, टाइड्स में क्या होता है, शुगर बेस फॉस्फेट. फिर न्यूक्लियोसाइड आएंगी, शुगर बेस, फिर वो एब्जॉर्ब होने लग जाएगा. फैट डाइजेशन के लिए लाइपेज आया, ग्लिसरॉल फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड्स, राइट. अब आया सुकस एंटेरिकस फ्रॉम एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइन. माल्टेज, माल्टेज आएगा, यस और नो, माल्टेज ये कहां से आएगा, सुकस एंटेरिकस, माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेज, ये कहां से आएंगे तीनों, इंटेस्टाइन से. माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेज, माल्टोज किसमें कन्वर्ट करेगा, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सुक्रेस किसमें करेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, राइट. और आपका लैक्टेज किसमें करेगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. तो मोनोसैकेराइड्स क्या हो जाएंगे आपके, विलाय में जाकर एब्जॉर्ब, करेक्ट. तो पूरा आपको एनसीईआरटी को मैंने और भी ज्यादा सिंपल बना दिया है, इज दैट क्लियर एवरीवन, यस बच्चों, सही ना, सौरभ, फिजी, रेखा, अक्षया, मोर देन सिक्स और सेवन टाइम यू आर डूइंग इट विद मी, लवली. फिर आपके आएंगे प्रोटीन डाइजेशन, पेप्टिडेसिस, अमाइनो पेप्टिडेसिस आएगी, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली आपका न्यूक्लियोसाइडेज,
फॉस्फेटेज, जो फॉस्फेट को हटा दिया शुगर प्लस बेस हो जाएगा, फैट डाइजेशन तो होगा नहीं, यहां ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे. राइट एवरीवन, डन. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सुपर ऑसम टॉपिक. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू बी डूइंग ऑल द एमसीक्यूज. लैक्टोज और मिल्क शुगर इज अ डाइसैकेराइड इन इन्फेंट्स. लैक्टेज एंजाइम ब्रेक डाउन करेगी ना लैक्टोज को, ग्लूकोज गैलेक्टोज. Right? Most people stop producing lactase after infancy when milk is no longer part of the typical mammalian diet. If a person without lactase consumes milk, bacteria usko ferment kar dete hain. Bacteria to fermentation karega hi na, jiski wajah se wo undigested sugar pain produce karta hai, gas produce karta hai, bloating produce karta hai, cramps produce karta hai. That's called as lactase intolerance. राइट. बाय द वे मेरे प्यारे बच्चों, आपको नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिख रही होगी जिसका नाम है इफ. इफ दिख रहा है ना, तो गाइज यार सोच लो. पहले तो आप यहाँ पे प्लीज वी इग्नाइट में अपने आप को लॉन्च कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है. राइट, वी इग्नाइट का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिकम अ पार्ट. वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है. करेक्ट. और गाइज इसको ज्वाइन कर लो सो दैट एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो और मेंटोरशिप्स की हेल्प लो ताकि अच्छे से पढ़ सको. प्रो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पर आपको प्रो मेंबरशिप जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप अगर बीडी प्रो कोड लगाएंगे यू हैव टू गेट, यू विल ऑटोमेटिकली गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1500. और अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें आपको 120 सेशंस में सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा जो आपको इग्नाइट प्रोजेक्ट में भी हेल्प कर सकता है, दैट्स अवेलेबल फॉर जस्ट यू नो 8000 रुपीज. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज शाम को एनिमल किंगडम इन वन शॉट एनसीआरटी मेंटी क्विज है जो 10 आवर्स में लाइव है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. और एनसीआरटी मेंटी क्विज जो है वो लाइव है आपका शाम को 5 PM. सो डोंट मिस बोथ ऑफ दीस सेशंस, रियलिटी चेक एंड दिस. सी यू इन द इवनिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय. सी यू.